वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जिंदगी बदल गई। भाई साहब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि भूल भुलैया 3 और सिंघम की कलेक्शन के साथ इस तरीके का हाल होगा। अब आप बोलोगे यार क्या बातें कर रहे हैं भाई। देखो मैं एक चीज तो देखता हूँ यार, ओपिनियन अपनी जगह है। मान लो IMDb रेटिंग कुछ भी हो, गूगल पे रेटिंग आप जाके देखोगे ना मूवीज की, चीथड़ उड़े में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मेरा अपना भी कुछ ओपिनियन था। अगर जनता जनार्दन को इस तरीके का कॉन्सर्ट पसंद आ रहा है और वो घर से बाहर निकल के मूवी देखने जा रहे हैं तो मैं तो मानता हूँ भाई ये सबसे अच्छी बात है। इसमें कुछ लोगों की दिक्कत यार, पता है प्रॉब्लम क्या है? यहां हम ईगो से लड़ाई करते सोशल मीडिया। अब मुझे मान लो मूवी पसंद नहीं आई, ठीक है, तो उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं बार 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 नहीं कलेक्शन अच्छी, नहीं कलेक्शन अच्छी। भाई क्यों, आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं तो आज भी बोलता हूं भाई मीडियोकर एक प्रोडक्ट तो एक मूवी का था जिसका बोलता हूं वो तो बिल्कुल ही टुच्ची, लेकिन लोगों को पसंद आ रही है। लोग पसंद आ रहे नहीं, लोग मतलब घर से जा रहे हैं। देखो कोई कॉन्सेप्ट अगर लोगों को घर से उठा के थिएटर तक लाता है ना, तो कॉन्सेप्ट में तो बात है यार उन बंदों में, वो घर से उठा के लेके जा रहे हैं। 18-18 करोड़ की कलेक्शन आ रही, तो मुझे कुछ उन लोगों का जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं ना और ये बोल रहे हैं कि यार बिल्कुल ये पिट गई है, ये है नहीं यार, तुम्हें या तो समझ नहीं है और या तुम जबरदस्ती खींची जा रहे हो, खींची जा रहे हो, खींची जा रहे हो। बट एक बहुत चिंताजनक बात है, वो मैं आपको बताता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो यार सिंघम अगेन का मैं 18 करोड़ दोनों पिक्चरों ने कल का कलेक्शन किया, डबल डिजिट से 10 करोड़ से 8 करोड़ ऊपर, ह्यूज। मुझे 14-15 तक उम्मीद थी। अब मेरी बात, आज बहुत क्रूशियल डे था मंगलवार, आज के दिन को कल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझो, थर्सडे तक इस वीक को बहुत इंपॉर्टेंट समझो। क्यों मैं तुम्हें बताता हूं। देखो कल की सिंघम अगेन की पहले बात कर लेते हैं। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 16.5%, 16.5% और 34% नून की थी। आज डे 5 को अगर सिंघम को कंपेयर करें तो 13.52%, यानी 16.5 से 13.52% आई, अराउंड 20% का ड्रॉप। और नून जहां कल 34% थी वहां 26.29%, तो 8% का ड्रॉप। भाई टोटल कलेक्शन अब तक सिंघम की 7.3 करोड़ है, जो इसी वक्त कल 10 करोड़ थी, ठीक है, तो 7.3 करोड़ में हम बैठे हैं। अब सिंघम कल नाइट शोज में 38% और 46% की ऑक्यूपेंसी लेके गई थी, वो आज बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। टोटल अगर मैं करूं सिंघम के अभी 146 करोड़ हो चुके हैं आज के 7.3 मिला के। BB3 ऑन दी अदर हैंड कल 21.67% की ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग, और नून की 41 थी मॉर्निंग में, आज 16.6 ड्रॉप हुआ है, 5% का ड्रॉप हुआ है। और 41 जो नून की थी वो 30.97 में हुआ है, तो इसका 11% का ड्रॉप हुआ है, मेजर ड्रॉप है। BB3 7.72 करोड़ कर चुकी है, सिंघम 2 7.3 करोड़ पे कर चुकी है 6:30 बजे तक। BB3 के 131 करोड़ हो चुके हैं। तो अब मैंने बोला वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। भाई BB3 ना स्लाइट सी लीड लेके आगे निकल रही है सिंघम जी से, और इसलिए मेरे को ये कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि देखो दोनों मूवी का कलेक्शन बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई बोल दे ना मजा आ गया, नहीं, मगर ये फेल होने वाला भी नहीं है। जितना मेरी नॉलेज है, जितना मेरा एक एक्सपीरियंस है ना, ये फेल होने वाला कलेक्शन भी नहीं है। मैं जरूर मानता हूं नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट मंडे टू थर्सडे के हिसाब से ना दोनों मूवियां बढ़िया कर रही है। बट यहां पे सिंघम के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है यार, बहुत ज्यादा बजट है, 350 करोड़ का बजट है। आपको 500 करोड़ तक का आपका प्रोजेक्शन होगा, 450 करोड़ का, कि तब भी आप पैसा निकाल पाओगे। भाई BB3 तो पैसे कमा के 250 करोड़ भी कर गई तो वो हिट से सुपर हिट वो ले लेगी वर्डिक्ट, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। हालांकि चल दोनों नेक टू नेक रहे हैं, सिंघम 250 करोड़ कर लेती है, 250 करोड़ की तरफ तो मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज एक का 131 हो गया, 141 हो गया, सेकंड वीकेंड बढ़िया पकड़ गया, 250 करोड़ की आराम से जाते हुए दिख रहे हैं। मगर सिंघम अगेन अजय का एवरेज वर्डिक्ट आएगा, वो बहुत चिंताजनक बात हो सकती है सिंघम अगेन के फैंस के लिए, फैंस तो छोड़ो प्रोड्यूसर्स के लिए। मेन BB3 निकाल लेगी अपना वर्डिक्ट। हैविंग सेड दैट दोनों ही पिक्चरें जो अगर आप थोड़ा सा गूगल आज मैं चेक कर रहा था IMDb रेटिंग्स वगैरह, तो उनका मीडियोकर वो है, बट उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर पब्लिक ने ठान लिया है कि हमें पिक्चर देखने जाना है तो मैं कौन होता हूं यार, मतलब अगर मेरा ओपिनियन है, मैं तो सब हर पिक्चर में बोलता हूं भाई अपना ओपिनियन ओपिनियन तक रखो, वर्डिक्ट मत दो। और उसके उसको ठीक करने के सही साबित करने के चक्कर में ना गलत चीज को भी सही मत बताओ, सही को भी गलत मत बताओ। कलेक्शंस डबल डिजिट में अगर आ रही है ना वीकडे पे, वो भी क्लैश में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। BB3 क्लियर लीड लेते हुए मुझे नजर आ रही है, जबकि सिंघम को कम से कम 5-6 करोड़ का लीड वीकडे में लेना चाहिए था, बट BB3 ही मुझे फिलहाल लीड लेती हुई नजर आ रही है। बट दोनों की कलेक्शन ठीक चल रही है, आई थिंक ये ट्यूसडे का टेस्ट भी मैं इसको फिलहाल पास मानूंगा, बाकी रात के शोज की ऑक्यूपेंसी का वेट करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।